bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum welcome to another video lecture on the channel of BioKids. in this lecture we will discuss about the process of digestion in stomach but from the outlines or the book of sargodha board first year part one in biology so let us start our lecture <clears throat> digestion in stomach अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें कितनी लेयर्स हैं और क्या इसकी कंपोजिशन है स्टमक की सेक्रीशन क्या होती हैं और स्टमक किस तरह से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है यानी कि स्टमक किस तरह से डाइजेशन करता है इसके अलावा अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो हमने साथ ही साथ डिस्कस भी करते जाना है सो so, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइजेशन इन स्टमक ठीक है स्टमक जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि ये जो आपको स्टमक नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम स्टमक का नाम दे रहे हैं अब ये मसल लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है अगर आप स्टमक की बात करते हैं तो एट द जंक्शन ऑफ़ ईसोफेगस एंड स्टमक एक स्पेशल रिंग होता है यानी यहाँ पे जो है एक स्पेशल रिंग मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर का स्फिंक्टर क्या चीज़ होती है बेसिकली एक छोटी सी ओपनिंग होती है यानी अगर ये एक ईसोफेगस की कैनाल थी और ये नीचे जो है स्टमक शो हो रहा है तो इससे क्या है कि ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम नाम क्या दे रहे हैं कि ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद है जिससे गुजर के जो होता है फूड वो जाता है स्टमक के अंदर ये करता क्या है ये बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्टमक क्लोज हो जाएगा फूड अंदर एंटर नहीं हो सकेगा जब ये रिलैक्स करेगा तो फूड ईजिली जा सकता है क्योंकि ये ओपन हो जाएगा और स्टमक के अंदर फूड जा सकता है सो so बेसिकली कार्डिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ फूड एंट्रिंग इन टू द स्टमक फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नेक्स्ट इसके आ जाते हैं जी मेन स्ट्रक्चर के ऊपर तो स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है कि स्टमक जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम यानी ये जो डायफ्राम होता है उसके अंदर जो है उसके बिलो मौजूद है ठीक है बिलो द डायफ्राम मौजूद होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग स्ट्रक्चर होता है जिसने फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड फूड को स्टोर भी करना है इसकी मिक्सिंग भी करनी है और इसकी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करना है सो दैट्स से हम कहते हैं कि पार्टली डाइजेस्ट भी करना है यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी डिस्कटीन्यूस फीडिंग ठीक है ये क्या होती है डिसकॉन्टीन्यूस फीडिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फीडिंग जिसमें इंसान जो होता है ये वक्ती तौर पर यानी ख़ास टाइम पीरियड पर खाना खाता है ठीक है फिर उसके बाद वो जो होता है ना कुछ टाइम के लिए यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए खाना नहीं खाता यानी कहने का आसान मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर फूड की इनटेक की जाती है जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया जाता है दोपहर में लंच किया जाता है और रात के वक्त जो है वो डिनर किया जाता है इसको हम कहते हैं डिसकॉन्टिनस फीडिंग यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर जो है फीडिंग की जाती है सो इस वजह से ये पॉसिबल है क्योंकि स्टमक यहाँ पर मौजूद है ये अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर है स्टमक का इसमें ये सोफिगस का रीजन हो गया ये रीजन जो होता है बेसिकली स्फिंक्टर का है ये स्टमक की मेन बॉडी है जिसकी ये लेयर है म्यूकोसा ये एपिथीलीम की सॉरी uh, एपिथीलियम की लेयर है ये अंदर की इसकी ल्यूमन यानी कि कैविटी है ये वाली जगह कैविटी हो गई ये पाइलोरिक फिंक्टर है यानी सेम एस फिंक्टर इसकी बॉटम पर भी होगा जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ फूड एंट्रिंग इनटू द इंटेस्टाइन तो उसको हम पाइलोरिक फिंक्टर कहते हैं क्योंकि इस रीजन का नाम होता है पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक यहाँ की हम बात कर रहे हैं ठीक है साथ ही एक छोटा सा येलो बॉक्स जो है इंपॉर्टेंट येलो बॉक्स है हर्ट बर्न और पायरोसिस क्या चीज़ होती है यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है वट इज़ पायरोसिस या यूं भी हो सकता है वट डू यू नो अबाउट पायरोसिस पायरोसिस एक ऐसी पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होती है चेस्ट के अंदर जिसमें बैक फ्लश हो जाता है एसिडिक काइम का यानी कि स्टमक का जो लिक्विड है ये सारा चला जाता है इसोफेगस में तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो जाती है इसोफेगस के अंदर ये क्यों होती है इसका रीज़न क्या है ओवर है या बहुत ज़्यादा फैटी एसिड यूज़ कर लिए गए यानी चिप्स और बर्गर्स और सैंडविचेस और पिज़्ज़ास वग़ैरह बहुत इंटेक किए गए हैं या फिर मील जो है ये बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर सो गए थे तब ये कंडीशन हो सकती है या बहुत ज़्यादा एल्कोहल कैफ़ीन टी कॉफ़ी या फिर हम कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से भी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है या आम अल्फाज में हम कहते हैं कि आपका जो चेस्ट रीजन है वहाँ पे पेन हो रही होती है जलन हो रही होती है तो इसको हम नाम देते हैं पायरोसिस या हर्ट बर्न का हर्ट बर्न इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये रीजन तकरीबन जो इस का है वो सेंटर हो जाता है वो हर्ट के करीब हो जाता है तो वैसे ही इसको एक नाम दिया जाता है इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो आपको जो है ना ये नज़र आ रही होगी स्टमक के डिफरेंट जो सेल्स हैं डिफरेंट जो रीजनज हैं इनके बारे में ये डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ लेकिन पहले हम थोड़े सा थेरी को देख लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो ओके आ जाते हैं जी थेरी के ऊपर <coughs> स्टमक का जो स्ट्रक्चर है हम अगर इसकी बात करते हैं सो स्टमक वॉल इज़ कम्पोज ऑफ थ्री प्रिंसिपल लेयर्स आउटर लेयर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की होती है मिडल लेयर जो है स्टमक की इसमें मसल्स होते हैं और इनर लेयर को हम म्यूकोसा या ल्यूमिन भी कहते हैं जिसमें कनेक्टिव टिशू और ग्लैंड मौजूद होते हैं जो मिडल लेयर होती है ये मस्कुलर लेयर है जिसमें बाहर की तरफ जो होते हैं लॉन्गी मसल्स और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं और सर्कुलर और लॉन्गी मसल्स की एक्टिविटी की वजह से ही समर जो स्टमक जो होता है वो अपना काम कर सकता है सो ये जो मस्कुलर लेयर्स होती हैं जो प्रोसेस ऑफ़ फूड की जो है चर्निंग में मिक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सो so ये जो स्टमक है स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है अभी हमने पढ़ा कि म्यूकोसा किसको कहा जाता है इनर लेयर को ठीक है इनर लेयर जिसको हमने नाम दिया था म्यूकोसा का तो ये जो इनर लेयर है जो म्यूकोसा की लेयर होती है <coughs> इसके अंदर बहुत सारे जो हैं ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिनको हम टिब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स का नाम देते हैं इनमें तीन तरह के सेल्स होती हैं एक को नाम दिया जाता है म्यूकस सेल जो कि रिलीज़ करते हैं म्यूकस अगर आप इन दोनों के स्पेलिंग्स को देखें तो सेल के स्पेलिंग हैं म्यूकस सेल के एम यू सी ओ यू एस म्यूकस दैट इज़ यूज फॉर सक्रीशन ठीक है ये सक्रीटिंग सेल का नाम होता है ठीक है अब ये जो म्यूकस है ये इसका नाम है और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं एम यू सी यू एस म्यूकस की तो ये यूज़ होता है उसी स्लाइम या सक्रीशन के लिए सो तो आपने स्पेलिंग्स को ज़रूर कंसिडर करना है सी ओ यू एस का मतलब है सेल जो कि ये काम कर रहे हैं और सी यू एस का मतलब होता है सक्रियन जो कि बेसिकली ही होती है इसके अलावा अगर आप देखें तो सेकेंड जो सेल हैं उनको हम पेराइटल या ऑगजेंटिक सेल कहते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिकल रिलीज़ करते हैं थर्ड टाइप के सेल जैमोजन या चीफ सेल भी कहा जाता है ये पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं इस सारी की सारी कलेक्शन को इस पूरी सेक्रीशन को कलेक्टिवली हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस के ऊपर लेकिन हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये सेल कहाँ पे लोकेटेड हैं और किस तरह से लिंक्ड होते हैं सो आते हैं डायग्राम पे वापस तो हमने ग्लैंड सेल्स की बात की है ये जो आपको एक पूरा रीजन नज़र आ रहा है ये स्टमक की वॉल का रीजन है जो कि इन सेल्स को जो है वो शो करता है इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंडीशन ये हो जाती है कि आपको जो है कुछ इस किस्म की सेल्स नजर आ रहे हैं जिनको हम गैस्ट्रिक पिट का नाम देते हैं ये गैस्ट्रिक पिट हो गई ठीक है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है नीचे की तरफ पिट कहते हैं गढ़ा डिप्रेशन क्योंकि यहाँ पे आपको डिप्रेशन नज़र आ रही है लेयर नीचे जा रही है तो गैस्ट्रिक पिट्स का है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सारे के सारे सेल्स मौजूद हैं ये आपको म्यूकस सेल नज़र आ रहे हैं जो सिंपल हैं ठीक है इसके अलावा ये जो आपको इसके साथ नज़र आ रहे हैं ये जायमोजिन चीफ सेल्स हैं और यहाँ पे आपको जो येलो में नज़र आ रहे हैं इनको हम पेराइटल सेल्स कह रहे हैं ठीक है ये आपको थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन यहाँ से ज़्यादा बेटर तरीके से कर दिया है डेट दीज आर जायमोजन सेल्स ये ऑगजेंटिक सेल्स हैं जो एच है सी रिलीज़ करते हैं अब जैसे ही जैमोजिन ने पैपसिनोजिन को रिलीज़ किया था तो ये ऑगजेंटिक सेल जो होते हैं पेराइटल और ऑगजेंटिक सेल ये पेप्सिन को रिलीज़ करते हैं सॉरी ये आ, क्या करते हैं एच रिलीज़ करते हैं तो एच है जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो पैप्सिनोजिन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनजाइम है मैं अगेन रिपीट कर दूं कि जैसे ही जायमोजिन सेल पेप्सिनोजिन को रिलीज़ करते हैं जो कि एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म है एच रिलीज़ होता है जो इसके साथ कंबाइन करता है तो ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सिन जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है ठीक है अगेन हम यही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस के अंदर सो म्यूकस जो होती है ये एक थिक सेक्रेशन होती है ठीक है थिक सेक्रेशन है जो स्टमक के अंदर मौजूद है जो कि फूड को अंडर होने से यानी कि वापस जाने से बचाती है और वॉल्स के साथ कंसाइड करने से बचाती है यानी डाइजेशन करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में जैसे ही स्टमक ये रिलीज करता है तो ये पी एच मेन्टेन करता है टू टू थ्री पी एच ये क्यों ज़रूरी होती है ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्रोटीन एसिडिक कंडीशन यानी टू या थ्री के अंदर ही डाइजेस्ट हो सकती हैं इससे फूड जो है वो सॉफ्ट भी हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाती है क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड है और फिर उसके बाद पेप्सिन अभी हमने बात की है कि पेप्सिन एक ऐसे एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म पैपसिनोजिन में रिलीज किया जाता है पैप्सिनजिन जैसे ही जो है एसिडिक मीडियम के कॉन्टेक्ट में आएगी यानी इट विल कन्वर्ट इन टू वेन इट गेट एक्सपोज टू एसिडिक मीडियम ठीक है एच सी एल के कॉन्टेक्ट में आएगी या ऑलरेडी प्रेजेंट थोड़ा सा पैप्सिन होगा तो ये पैप्सिनजिन जो है वो एक्टिव होकर पैप्सिन बन जाएगी पैप्सिन जो है जो प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्ज़ाइम है जो प्रोटीन की डायजेशन करके इसको पैप्टोस या पोलिपैप्टाइड में ब्रेक कर देता है स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं यानी जो मसल्स हैं मिडल लेयर के लॉन्ग और सर्कुलर मसल इनकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग होती है फूड की गैस्ट्रिक जूस के साथ और इनको सेमी सॉलिड मैस जिसको हम काइम कहते हैं इसके अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है सो so, बेसिकली जो ग्रेजुअली स्टमक एम्पटी हो जाता है ड्यूडिनम के अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक येलो बॉक्स नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इन्होंने क्या बताया इन्होंने ये बताया है कि जैसे ही प्रोटीन एंटर प्रोटीन फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर तो ये स्टिमुलेट कर देता है गैस्ट्रिक हार्मोन को अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये उसी गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग में होते हैं सेल्स वहाँ उन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा आ, प्रोटीन फूड तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ होगा जितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है प्रोटीन फूड होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा और उतनी ही बेहतर तरीके से डाइजेशन हो सकती है बट यहाँ पे मैं आपको एक और कंडीशन भी बताते चलूँ कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोंटिटी में प्रोटीन फूड यानी कि मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा तो इससे भी हमें जो है स्टमक में एसिडिटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक है यहाँ पर जो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस नेम द सेल प्रोड्यूसिंग डैम ठीक है तो आपने पहले ये बताना है कि गैस्ट्रिक जूस बेसिकली कैसी सेक्रेशन है जो कि गैस्ट्रिक सेल रिलीज करते हैं अब ये सेल कुछ इस तरह से हैं फिर आप इस तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कि ये तीन तरह के सेल हैं म्यूकस सेल जो रिलीज़ करते हैं म्यूकस पेराइटल और ऑगजेंटिक सेल जो सेक्रेट करते हैं एच सी एल सेल जो पेप्सोरिजन रिलीज़ करते हैं कलेक्टिवली हम इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं ये फूड की डाइजेशन के लिए स्पेशली प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है यहाँ पे स्टमक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही हम डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो डिजीज़ कंडीशन की बात करेंगे अब डिजीज़ की यहाँ पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्योंकि ये चीज़ समझ आ चुकी होगी तो साथ हम डिज़ीज़ इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको इन चीज़ों की भी अच्छी से समझ आए क्योंकि वो डाइजेशन से रिलेटेड है दैट्स वाई हम उनको यहीं पर डिस्कस करेंगे ऑल दो कि इसके बाद का जो टॉपिक है वो स्मॉल इंटस्टाइन का है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर इसके साथ हम कंबाइन करेंगे दैट्स वाई हम इसके रिलेटेड डिजीजेज़ ही डिस्कस करेंगे तो

हर्ट बर्न यानी आपको एसिडिटी होगी नॉजिया वामिटिंग की कंडीशन हो जाती है और ये सिम्टम्स इरेगुलरली होते हैं यानी कभी भी किसी भी टाइम हो सकते हैं सुबह या दोपहर या रात को शाम को कभी भी हो सकते हैं ठीक है डिस्पेप्सिया नॉर्मली तब होती है जब एसिडिटी लेवल स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है या फॉल्टी फंक्शन होता है स्टमक का सो इस तरह से जो है डिस्पेप्सिया की कंडीशन होती है या स्मॉल इंटस्टाइन अगर प्रॉपरली जो है वर्किंग नहीं कर रही या क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ बाइल सक्रेशन में कोई फ़र्क आ गया है तो इस तरह से डिस्पेप्सिया होता है यानी स्टमक से रिलेटेड ये डिजीज़ है दैट्स वाई हम स्टमक के साथ डिस्कस कर रहे हैं इसको इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब है फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि ये इल्नेस इंडिकेट करती है कि फूड की प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हुई है लेकिन किस तरह से क्योंकि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद थी ठीक है सो so, ये जो कॉमनस्ट टाइप है फूड पॉइजनिंग की जो कि नॉर्मल लोगों को होती है जिसमें डायरिया हो जाता है वो क्यों होती है क्योंकि वो दो बैक्टीरिया साल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर करवा रहे होते हैं ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रहते हैं कैटल की चिकन की डक की और वहाँ पर तो वो कोई डिज़ीज़ को कॉज नहीं करते क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफ़िक होते हैं लेकिन जैसे ही हम इन लोग इन चीज़ों का मीट खाते हैं स्पेशली चिकन और कैटल का तो ये डिज़ीज़ जो है ह्यूमन के अंदर ज़रूर हो जाता है अगर वो कोई इमप्रॉपरली जो है पॉस्चराइज मिल्क यूज़ करते हैं या एग यूज़ करते हैं मीट यूज़ करते हैं तो उससे वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है यहाँ ये डायरिया कॉज करता है वामिटिंग याबडामिनल पेन होती है और ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स यानी एक दो दिन तक आपको ये कंडीशन रहती है ठीक है और इसके अलावा ये होता कब है जब आप वो खाना खा चुके होते हैं डाइजेस्ट हो चुका होता है तो उसके बाद यानी आफ्टर कॉन्टामिनेटेड फूड ठीक है उसके बाद होती है इन्फेक्शन तब भी हो सकती है अगर अनपॉस्चराइज मिल्क यानी बगैर बॉयल किए अगर आप मिल्क यूज़ कर लेते हैं कच्चा दूध पी लेते हैं तो फिर भी सेम कंडीशन हो सकती है लिक्विड यहाँ पे मीट uh, की हमने बात की है वो कैसे कॉज करवा सकता है ठीक है मीट जब आप फ्रीजर में रखते हैं वो फ्रीज़ हो जाता है बर्फ़ बन जाता है फिर वो डीफॉरेस्ट होता है यानी वो दोबारा से अपने जो नॉर्मल स्टेट में आएगा तो उसके साथ आपको याद हो अगर अगर, अगर आप नोट करें तो वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं या जो है वो डीफॉरेस्ट होता है तो इस वजह से जो साल के बैक्टीरिया है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है या फिर जिस बर्तन के अंदर जिस डिश या यूटेंसल्स के अंदर जो है आपने मीट रखा होता है डीफोरेस्टिंग के टाइम उसको कभी भी आप नॉर्मल यूज़ ना करें उसको अच्छे से वॉश करें स्टरलाइज करें और फिर यानी गर्म पानी से उसको वॉश करें और फिर उसके बाद उसको यूज़ करें क्योंकि उसमें भी वो बैक्टीरिया होता है ठीक है अब इसमें जो एक सबसे स्वियर टाइप है फूड पॉइजनिंग की दैट इज बॉटुलिज्म ये क्या होती है बॉटुलिज्म बेसिकली एक सवियर टाइप है फूड पॉइजनिंग की दैट इज ड्यू टू द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रेडियम बॉटुलिनम तो बॉटुलिनम के नाम से बॉटुलिज्म है याद रखिएगा कि आई एस और एम इज़म जहाँ भी यूज़ होता है ये एक फ़िनना या एक प्रोसेस के बारे में होता है जहाँ पर एक डिज़ीज़ है तो बॉडोलिज़म इसके नाम से ये इम प्रॉपर्ली कैंड फूड की वजह से होता है यानी जो कैन फूड यूज़ किया जाता है यानी प्रिजर्व फ़ूड जैसे के एफ़ सी हो गया के एन एन हो गया या हम कहते हैं कैन जो पैपसीज़ होती हैं या कैन जिसमें आइसक्रीम्स होती हैं तो ये फूड जो होता है इनके अंदर तो डेफ़िनेटली और ख़ास कर अगर वो मीट का कॉन्टेंट है जैसे के एफ़ सी के एन एन हो गए तो वहाँ पर क्या होता है कि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी बॉडी में आते हैं तो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं इनका सेलेक्टिव एक्शन क्या है नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं यानी जैसे हम फूड खाएंगे डाइजेशन होगी ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे नर्वस सिस्टम तक जाएंगे वहाँ पर ये कार्डिक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज करते हैं यानी कार्डिक एरिया ब्रेन का और जो रेस्पिरेटरी एरिया है जिन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है इन एक्टिविटीज़ को उनको पैरालाइज करेंगे तो अल्टीमेटली कार्डिक और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर यानी हर्ट और जो रेस्पायरेशन है लंग्स की वो अफेक्ट होगी ठीक है इसके साथ ही डेजीनेस यानी धुंधलापन महसूस होना चक्कर आना डबल विजन जो है देखने में मुश्किल होती है हेड एक सर में दर्द होती है नोज़िया मितली होती है वॉमिटिंग की वामिटिंग होना शुरू हो जाती है डायरी की कंडीशन है या एबडामल पेन होती है सो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो ये आता है व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग राइटेड सेम टाइम्स ठीक है तो आपने जनरल बताना है ये कंडीशन आपने बतानी है ठीक है दूसरा क्वेश्चन जो आपको आता है दैट इज व्हाट इज़ बॉटुलिनम बोटोलिजम नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इट तो आपने ये लिखना है कि बोटोलिजम फूड पॉइजनिंग की एक सवेयर टाइप है और ये आ, जो है कोलोस्ट्रेडियम बॉटोलिनम uh, की वजह से होती है और ये मीट्स की वजह से होती है ये टॉक्सिन यानी ये आपने पैराग्राफ इसके आंसर में लिखना है लास्ट पॉइंट हमारे लेक्चर का है ओबैसिटी यानी मोटापा लेकिन आपने सुना होगा कि जो ओबैसिटी है इज इट सेल्फ ये ग्रुप ऑफ डिजीज है यानी बीमारियों का घर होता है बेसिकली ये एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट है यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो अगर वो बहुत ज़्यादा फूड की इंटेक करेगा बहुत ज़्यादा खाना खाएगा तो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगा वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जिससे वो ओबीज यानी कि ओवर हो जाएगा अब एडिपोज टिश्यूज बनते कैसे हैं बेसिकली जो फूड होता है ये फ़ैट फूड ये स्टोर होता है फ़ैट टिश्यूज के अंदर डोमिन के अंदर या किडनीज के राउंड होता है या अंडर द स्किन मौजूद होता है बेसिकली हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनके अंदर जो है एकोमुलेट uh, होते हैं ये फैट ड्रॉपलेट्स अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो साइटोप्लाज्म उस सेल का फिल हो जाएगा फैट से एज अ रिजल्ट उस सेल का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही वो ग्लोब्यूल की फॉर्म में आ जाएगा और मिडल में सेंटर में उसके ग्लोब्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे सेल जो है, फिल हो जाएगा फैट से साइटोप्लाज्म भी थिन लेयर में हो जाएगा साइड पर हो जाएगा और न्यूक्लियस भी साइड पर हो जाएगा तो ये जो ग्रुप ऑफ़ एडिपोज टिश्यूज़ हैं जो ये एडिपोज टिश्यू बना है इसका जो ग्रुप है एडिपोज टिश्यू का ये उस पर्सन के अंदर ओबैसिटी कॉज करता है तो कुछ लोगों को अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो खाना खा लेते हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और कुछ लोग थोड़ा सा खा लेते हैं तो वो ओबैसिटी की तरफ आ जाते हैं क्यों ये बेसिकली होता है कि ये हार्मोनल जो है ना चीज़ें होती हैं हॉर्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं और हेरिडिटी भी होता है यानी वरासती भी होता है सो अगर किसी के हारमोन बहुत अच्छे बैलेंस में चल रहे हों तो फिर वो ओबैसिटी को फ़ेस नहीं करते लेकिन अगर किसी को हार्मोनल इंबैलेंस है हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं सही से हारमोन रिलीज नहीं होते तो डेफिनेटली उसको ये फेस करना पड़ेगा सो ओबीस परसेंट जो होता है उसका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की वजह से ठीक है हर डिजीज हो सकते हैं डायबिटीज़ मिलाटिस शुगर हो सकती है स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं यानी बॉडी ओवरवेट हो सकती है तो ये बड़ी ही फैटल सिचुएशन है इसको ज़रूर मेडिकली ट्रीट करना चाहिए एक तो फूड को जो है वो प्रॉपर तरीके से लेकिन चेक एंड बैलेंस पे यानी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए ज़्यादा खाना ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए दूसरा ये लोग फिर मेडिसिन भी लेते हैं ताकि इनका जो ये हॉर्मोन सिस्टम है मैंटेन रहे और ओबेसिटी ना हो यहाँ से जो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है सरगोदा बोर्ड के पेपर के अंदर दैट इज़ हाउ एन एडिपो श्यूज फॉरवर्ड कैडिपोस्ट इश्यूज है वो किस तरह से बनते हैं सो so ये आपने आंसर यहां पर लिखना है फ़ैट के जो ओबीज पर्सन होता है इसकी बॉडी में फ़ैट ड्रॉपलेट स्टोर होती हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर जिनको एडिपोज सेल्स कहते हैं ये सेल्स जो हैं सरप्लस यानी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करते हैं तो इनके सेंटर के अंदर जो है लार्ज ग्लोब्यूल बन जाता है और ये सेल्स जो हैं लार्ज ग्लोब्यूल जो है फ़ैट्स के इनके अंदर होती हैं और ये सेल इनके जो साइटोप्लाज्मा है वो थिन हो जाता है साइड पर से पेरेफ्री पर हो जाता है और न्यूक्लियस भी साइड पर हो जाता है इन सेल्स को एडिपोज सेल्स कहते हैं और जब कंबाइन करते हैं तो इसी को मैं कहते हैं। ये होते कहां पर हैं? ये एबडोमिन में होते हैं अराउंड किडनीज होते हैं अंडर द स्किन होते हैं सो so, इनको हम एडीपोज टिश्यूज कहते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है लेकिन आपको मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपको सरगोदा बोर्ड में आता है दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू डिज़ीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन यानी ये फोर मार्क्स के आपने कोई से भी दो डिज़ीज़ लिखने होते हैं बेटर है कि आप इन तीनों में से कोई लिख लें ले। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है सो आई वुड प्रेफर यू कि आप फूड पॉइजनिंग और ओबेसिटी को चूज़ करें क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा है मैक्सिमम so आपको यहाँ से आउट ऑफ फोर जो है वो थ्री पॉइंट फाइव मार्क्स मिलने के चांसेस हैं अगर आप ये प्रॉपर हेडिंग्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं सो so ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा ये था आज के लेक्चर के हवाले से और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो न्यूट्रिशन की बेस पर डिविजन्स एनिमल्स के वो इन लेक्चर से पहले मौजूद हैं इसके अलावा इसी प्ले लिस्ट के अंदर इसी चैनल में और इससे बाद के जो होंगी इंटस्टाइन है उससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे सो आप उस चीज़ के लिए उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं टिल द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट